ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले साल इस बजट स्पीच के डॉक्यूमेंट के अंदर कहा, पिछले साल वाले डॉक्यूमेंट में ऑन रिकॉर्ड है कि हमारी हुकूमत की जबरदस्त अचीवमेंट है कि हमने इस साल वीट प्रोक्योरमेंट, रिकॉर्ड वीट प्रोक्योरमेंट की है। उनके स्पीच का हिस्सा है पिछले साल की। उस वीट प्रोक्योरमेंट के बाद क्या हुआ आपने और मैंने देखा, आटे की किल्लत हुई आपने और मैंने देखा, क्राइसिस खड़ा हुआ आपने और मैंने देखा, शुगर क्राइसिस खड़े हुए, चीनी थी, चीनी बाहर बेची गई, सस्ती बेची गई, महंगी खरीदी गई, लोगों को कतारों में खड़ा किया गया, अंगूठों के ऊपर निशान लगाए गए। कौन सी शुगर केन की पॉलिसी ये हुकूमत लेके आई है? आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करते हैं, आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप तो गरीबों को शुगर मिलों के जिलों के अंदर गुड़ नहीं बनाने देते। आपकी पॉलिसीज किधर हैं? जिस जिस की शुगर मिले नहीं हैं, चाहे वो उस तरफ हैं या इस तरफ हैं, हाथ अपने दिल के ऊपर रख के बताएं ना, आपके शुगर केन की प्रोडक्शन के एरियाज में क्या जुल्म हो रहा है? आपको गुड़ नहीं बनाया जाने देता, लोगों को परमिट्स के ऊपर इजाजत दी जाती है। क्यों? आजाद मुल्क नहीं है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं है, ओपन हर चीज नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जो मिल इनएफिशिएंट होगी बंद होगी, जो एफिशिएंट होगी वो जारी करके रखेगी। जो गन्ने की कीमत है उसमें हुकूमत का क्या कमाल है जनाब स्पीकर? जिस साल गन्ना कम होता है जमींदार को कीमत ज्यादा मिलती है, जिस साल गन्ना ज्यादा होता है जमींदार की बेख निकाली जाती है। क्या इनका कमाल है या हमारा क्या कमाल था? शुगर केन की पॉलिसी क्या है? 30 नवंबर को मिलों के खुलने का ऐलान किया गया है। जब तक हम ये पुरानी चीजों को तोड़ के नहीं जाएंगे, ये पंजाब और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा।